आज साग बनाने जा रही हूँ, तो आज हम दूसरे तरफ से साग बनाऊंगी, तो आपको ले सकती हूँ। साग को धो ली हूँ और इस कुकर में हम इस साग को मैं गला लेती हूँ ऐसा ही। देख सकते हैं इसको हम कुकर में रख दी हूँ और इसको ढक्कन लगा दी हूँ। अब इसको गैस पे सेक करके रख देती हूँ। देख सकते हैं मेरा काम हो गया है। हो चला है और इसको ऑफ कर दे रहे हैं और तब इसको मत के और तब इस कढ़ाई में हम इसको छौंकेंगे। ऐसा कुछ छौंकने के लिए सारा सामग्री चला है, चला का सब कुछ और ये थोड़ा सा मैं मक्का का सत्तू ले लूँ। हम लोग मक्के के सत्तू बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं तो बोलिएगा। लेकिन हमें दोनों को पानी में घोल के और तो मिला के उसमें ऐड करूँगी। इसको बाल देती हूँ मेरे करेंगे इसको देख सकते हैं तेल डाल दूँगा। एक बड़ा इलायची है और छोटा इलायची इसको डाल दे रही हूँ। मेरा अभी गर्म नहीं है, गर्म हो जाता है फिर करके इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं, इसको कुछ ले रहे हैं। और प्याज को भी डाल देते हैं। एक चम्मच नमक ऐड कर रहे हैं। आप लोग जितना खाते हैं लोग ताजे मिसाज डाल देना, क्योंकि चाल से खाना है तो मिठा सा बराबर है, अच्छा लगता है। रोटी को भी खाने में रोटी टेस्टी रहता है।
देखिए जीरा और मरीच का मरीच रख कर फिर अलग से रखती हूँ, तो उसमें जब जब साग बनाती हूँ इस तरह का तो यही डाल के बनाते हैं। तो इधर थोड़ा सा हल्दी ऐड कर देती हूँ, कोई चीज नहीं बनाते हैं, सब में हल्दी डाल के भी बनाते हैं। एक चम्मच इसमें दो चम्मच और तीन चम्मच एक चार चम्मच एक चम्मच को इसमें मिक्स करके मिक्स कर लिया है। इसमें पानी ऐड कर देते हैं,
क्या करते हैं इसको नहीं है रोकनी तेल से इसमें मिला देते हैं और इसको चला दे रहे हैं। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और मैं बंद कर देती हूँ। ठीक, इसका पानी है इसी में डाल दे रहे हैं थोड़ा सा। तो आप इसी तरह बनाइए और बना कर खाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इससे भी आगे वाला रेसिपी मैं इसी तरह बना के आप लोगों के पास भेजा करूँगी। हाँ बोलते हैं देखिए मैं ये आटा ले ली हूँ मकई का और इसमें प्याज और मिर्चा और जवाइन मरीच मंगरैल और जवाइन ली हूँ। इसी में हम ये सबको ऐड कर रही हूँ।
इसमें थोड़ा सा थोड़ा सा और पानी लगेगा और मैं इतना नमक इसमें ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा और मिला रही हूँ, अपना अनुसार आप लोग मिला के।